सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और जजीज की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद की कंपेयरिंग के फराइज फैसल तूर एडवोकेट, जबकि मुल्क के नामवर सना खां, मरगूब हमदानी, मियां नासिर एडवोकेट, राज अफराज एडवोकेट, मोहम्मद शहबाज और आबिद मासूमी ने बारगाह सरवर कौनैन में गुलहाय अकीदत पेश किए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं फैसल तूर अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इनाकात किया गया, जिसमें वकला और जजेस की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपेयरिंग के फ़राइज फैसल तूर एडवोकेट, जबकि मुल्क के नामवर सनाहान, मरगूब अहमद हमदानी, मियाँ नासर एडवोकेट, राजा फराद एडवोकेट, मोहम्मद शहबाज और आबन मासूमी ने बारगाह सरवर कौनैन में गुलहाए अकीदत पेश किए, जबकि सदर बार खालिद हुसैन कुरैशी एडवोकेट और सेक्रेटरी सैयद इर्तजा शाह बुहारी का इस मौके पर कहना था कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बरकात ही से ये मुल्क कायम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पूरी दुनिया और आलम जश्न मना रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा ना करना होता तो ये कायनात भी तहलीक ना करता। महफिल का अहतमाम दरूद व सलाम पर हुआ, जबकि बाद अज़ान लंगर भी तकसीम किया गया। जी